आमर स्वतंत्र कार्यक्रम जनता दरबार 2021 को स्वागत करुच्ची मु निहारिका। प्रथमे वर्तमान जेमती कि आज फोकस होउची वेस्ट बेंगल रो इलेक्शन जोटा कि तार द्वितीय पर्याय आरंभ होइची आज सेम टाइम रे आसाम रे मध्य द्वितीय पर्याय इलेक्शन आरंभ होइची आउ सबुठ बड़ फोकस रे अछि नंदीग्राम इश्यू कहीं समस्ते जानते बर्तमान नंदीग्राम रे आज सका जो प्रकार हिंसात्मक परिस्थिति सृष्टि ताऊपर पूरा भारत रो पूरा देशर नजर रही। विधानसभा रो निर्वाचन आरंभ हो चारोटी प्रदेश रे एवं गोटे यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी रे किंतु वर्तमान समय द्वितीय पर्याय चली आसाम आउ वेस्ट बेंगल आउ आपणकर साउथ टेस्ट स्टेट गुड़िक रहा केरला तमिलनाडु एवं पुडुचेरी रे एप्रिल 6 तारीख रु सेठारे आरंभ होउछि। किंतु वर्तमान समय जदि नंदीग्राम कथा कहिबा जो प्रकार हिंसात्मक परिस्थिति सृष्टि होइछि आ सकाळे जो प्रकार अटैक करा जाइछि शुभेंदु अधिकारी को उपरे एवं संध्या बेला वर्तमान समय जोटा आमर अपडेट आसिला जे सेठी एक गोटे प्रकार कहिबाकु गले हिंसात्मक परिस्थिति सृष्टि होइछि दुई गोष्ठी भितरे कंदळ देखा देइछि तो ए परिस्थिति रे टीएमसी एवं बीजेपी भितर कड़ा टक्कर कहवाक गले कहवाक पड़ो तो एने गोटे रिपोर्ट देखिबा रिपोर्ट ऑन नंदीग्राम। पश्चिम बंग नंदीग्राम रे बिग फाइट गोटे पटे मतदान सेपटे प्रार्थी आक्रमण पश्चिम बंग नंदीग्राम रे बीजेपी प्रार्थी शुभेंदु अधिकारी गाड़ी उपरको होइछ आक्रमण टीएमसी उपरे आक्रमण अभियोग लगाई शुभेंदु कहिले ममता शासन रे चली राज्य रे जंगल राज जबरदस्त मीन्स पॉलिटिकल फाइट इसलिए टीएमसी डिस्पैरेट एटीट्यूड होकर लेकर ये सब काम कर रहा है और खासकर एक समुदाय के लोग उसको भड़का के देखिए पूरा एरिया में नहीं हो रहा है कुछ पॉकेट है जो जीपी में पवन भाई का ऊपर अटैक हुआ इंडिया टीवी का ऊपर अटैक हुआ वो जीपी में 12 बूथ है उसमें 2 बूथ कम्युनिटी का कुछ प्रेजेंस है इसलिए हो रहा है बाकी 10 बूथ में जय श्री राम हरे कृष्ण माँ काली माँ दुर्गा का डिभोटी है वो लोग तो शांत है। पश्चिम बंग नंदीग्राम रे शुभेंदु अधिकारी कारकेड आज जाऊ समय आक्रमण होता नंदीग्राम रे मतदान समय रे पोलिंग बूथ समीक्षा बेले शुभेंदु जाऊ गाड़ी उपरकू पत्थर माड़ होता तेरे एथिरे शुभेंदु अधिकारी गाड़ी किसी क्षति हो ना बेले शुभेंदु अधिकारी पछरे कवरेज पाई जाऊ गणमाध्यम प्रतिनिधि गाड़ी क्षतिग्रस्त होता सूचना मिली। अन्यपटे कारकेड उपरे होता आक्रमण को नहीं शुभेंदु अधिकारी कहते पश्चिम बंगरे जंगल राज चली पश्चिम बंगर भोटर और देशवासी देखा उचित प्रत्याशी 2 बजे घूमने वोटिंग शुरू हुआ 7 बजे तांता लग गया 5:30 बजे मॉक पोलिंग हो गया 6:30 70% पोल डाउन कैंडिडेट निकल रहा है समझ लीजिए जय श्री राम का डर लास्ट कैंपेन में इतना जय श्री राम हुआ टेंगुआ में हुआ रियापाड़ा में हुआ बलरामपुर में हुआ इतना जय श्री राम सुना ना इसलिए थोड़ा आज तेरे विधानसभा निर्वाचन पाई यही द्वितीय पर्याय मतदान बेस गुरुत्वपूर्ण कारण हाई वोल्टेज नंदीग्राम आसन पाई यही पर्याय रे ही वोट पड़ुछि जोठारु प्रतिद्वंदिता करुछंती पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं बीजेपी शिविर रु टक्कर देउछंती एकदा ममतांकर एकांत अनुगत थिबा शुभेंदु अधिकारी वर्तमान पश्चिम बेंगल रे जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि होइछि या सहित आसाम रे मध्य द्वितीय पर्याय मतदान आरंभ होइछि तेबे आसाम रो कोकराझर ठारे आज प्रधानमंत्री मोदी रैली करथिले एवं संबोधन करथिले आ सेटा निश्चय भाव में कहते जे कांग्रेस रो शासन को पूर्णि थरे न आसीबा को देबा को भोटर मान को रिक्वेस्ट करथिले बा अनुरोध करथिले जे जो प्रकार हिंसात्मक परिस्थिति आसाम रे आगरु देखा देथिला सेति पई आसामवासी कांग्रेस को रेड कार्ड देखाई चंती आ तार पुनर्वृत्ति से भूल रो पुनरावृत्ति न होउ एवं पूर्णि बीजेपी को शासन को अणा जाउ ताकु नै देखिबा एक रिपोर्ट। आसाम रे बर्षिले प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस एंड को कु लोक देखाई रेड कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार कहते आसाम रो लोक माने राज्य रे कांग्रेस नेतृत्वाधीन ग्रांड आलियांस को रेड कार्ड देखाई से कहते पूर्वरु कांग्रेस सरकार माने राज्य रे हिंसा रो नीरव दर्शक रही आसुछंती
खास करी राज्यर बोड़ अंचल घटुवा हिंसार तदंत करने आसामे एवं केन्द्र में कांग्रेस सरकार केवेबी किछि करिनाहंती। भाई बहनों, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि यहाँ के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाजूट को यहाँ के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। साथियों, असम के विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। और इसलिए असम को दशकों तक लूटने वाली, असम के संस्कृति को तबाह करने का सपना देख रहे महाजूठ वाले बौखला रहे हैं, महाजोत वाले बड़े बड़े झूठ बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन असम के लोगों को उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आसाम रे फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल, आउ यही फुटबॉल मैच रो उदाहरण दे मोदी कहिछंती आसाम रो लोक माने राज्य रे कांग्रेस नेतृत्वाधीन ग्रांड आलियांस को रेड कार्ड देखाइछंती। आसाम रो कोकराज रो बिजन ठारे निर्वाचन रैली रे जोगदेई प्रधानमंत्री आसाम रे हेउथबा बेआइन अनुप्रवेश उपर मध्य रोक लगाइबा कथा कहिछंती। भाई और बहनों, मुझे संतोष है कि 2016 में बीटीआर में शांति और विकास का जो वादा हमने किया था उसे लेकर हमने बहुत ईमानदार प्रयास किया है। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। आप याद कीजिए, ये अटल जी की ही एनडीए सरकार थी जिसने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया था। और ये भी देखिए, एनडीए की वर्तमान केंद्र सरकार है जिसने स्थायी शांति के लिए ऐतिहासिक बोडो अकॉर्ड पर मुहर लगाई है। तेबे यह सहित जनता दरबार 2021 अपडेट आम ये रखुचु। नमस्कार।